अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37 अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37 अय्यूब की पुस्तक अध्याय 37 फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान से उछल पड़ता है। उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरजकर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हिम से कहता है पृथ्वी पर गिर और इसी प्रकार मेह को भी मुसलधारा वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर कर देता है जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण दिशा से बवंडर और उत्तरीया से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ता है तब जलाशयों का पाट जम जाता है। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उजियाले का बादल दूर तक फैलाता है और वह उसकी बुद्धि की युक्ति से इधर उधर फिरता जाता है। इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसको वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करें, चाहे ताड़ना देने के लिए चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए वह मनुष्य पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे अय्यूब इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रह और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों का विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर क्यों कर अपने बादलों को आज्ञा देता है और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तौलना और सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिण की हवा ही के कारण से सन्नाटा रहता है तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाशमंडल को तान सकता है? जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है। तू हमें यह सिखा कि उसे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक नहीं रच सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूं? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाशमंडल में का बड़ा प्रकाश देखा नहीं जाता, परंतु वायु चलकर उनको शुद्ध करता है। उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भय योग्य तेज से आभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थ्य है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़ अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता।